मैं बीडी स्कूल का ऑफिसर आईसी हूँ। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल का ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट और स्कूल का सिक्योरिटी, बच्चों का सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, मेरी ड्यूटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ज़्यादा कल की घटना की बात है, कल करीबन 50 से 80 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इतने लोग हमारे गेट के अंदर घुस गए। कुछ लोग बाहर थे, गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी घुस चुके थे। मैंने देखा उनको, मैं कुछ पेरेंट्स से मैं अब मेरे मैं ऐसे राउंड पे था, मैंने देखा, मैं गेट की तरफ गया, मैंने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं फोरम से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं प्रिंसिपल से मिलना है, मैं डायरेक्टर से मिलना है, मैनेजमेंट से मिलना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया। गजमेर साहब थे, इंद्रजीत साहब थे और भी बहुत लोग थे, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, जो दो चार लोगों का नाम जानता हूँ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया मैंने, सर कोई बात नहीं, आप लोग आना चाहते हैं आइए, आप लोग जिस संस्था से आए हैं उस संस्था के दो लोग आए अंदर, और हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता अगर हैं आपके साथ तो उनको लेके आप अंदर आइए। उनमें से मैंने पाया कि सिर्फ दो या तीन लोग थे जिनके बच्चे माता पिता यहाँ, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे। उनको मैंने बोला सर आप लोग रजिस्टर में एंट्री कीजिए, आप लोग अंदर आइए। फिर से मैंने उनके संस्था या फोरम के लोगों से निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया लिटरली, कि आप लोग प्लीज़ 2 से 3 लोग आएँ, बाकी लोगों को आप लोग कहें कि गेट के बाहर जाके वेट करें। क्योंकि एक तो बच्चे हैं हमारे स्कूल में, कल सैटरडे था, सैटरडे को हमारा 12 बजे 11:30 12 बजे छुट्टी होती है, बच्चे बाहर निकलते हैं, इतने लोगों को देख के बच्चे घबरा जाएंगे। अब क्योंकि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे डरे नहीं, बच्चों को कोई चोट ना लग जाए, वो बच्चे हमारे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं यहाँ पे, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी अगर डर भी लग जाता है तो वो मेरे लिए शर्म की बात होगी, उनको भय हो जाएगा। वो शिव आखिरकार वही हुआ लास्ट में, वो मैं बताऊंगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो, उन्होंने उनमें से कुछ लोग मुझे धक्का मुक्की चालू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दिया उन्होंने, कि तुम कैसे नहीं जाने देगा, तो यहाँ का जो उनका जो टोन है। मैंने कहा आप बात करने आए हैं या गुंडागर्दी करने आए हैं, क्योंकि अगर आप एक डायरेक्टर या एक प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं तो आप लोग 2 या 3 लोग बहुत काफ़ी हैं, जो भी मसला है आप लोग का, जो भी मुद्दा है, तो क्या आप लोग विषय में बात करना चाह रहा था? फी कंसेशन, डिस्काउंट ये वगैरह में बात करना चाहे, ये उनको उनको बात करना चाह रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये फी कंसेशन या डिस्काउंट का जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है, ये ऑलरेडी DI BDO के ऑफिस तक, अलीपुर द्वार तक ये पहुंच चुका है, उनके टेबल पे है, अंडर द कंसिडरेशन है। DI का भी निर्देश भी आया कि जितना आप स्कूल दे सकता है देगा, और स्कूल नहीं दे सकता है तो ठीक है नहीं दे। हर स्कूल की या हर इंसान का, हर संस्था का एक क्षमता होता है, कितना हम दे सकेंगे, कितना छूट दे सकेंगे, स्कूल ही नहीं किसी भी एक, आप व्यक्तिगत भी आप लेंगे कि आप कितना आप किसी को दे सकेंगे, कितना आप छूट दे सकेंगे, वो आप एक व्यक्तिगत पे लोगों पे निर्भर होता है, आपकी अपनी क्षमता पे निर्भर होता है। वही मैंने उनको कहा कि सर ये सब तो हमने बता दिया आपको, हमने DI को रिपोर्ट भी भेज दिया है कि हमने कितना डिस्काउंट या कितना कंसेशन दिया, हमने सब दे दिया है उनको। तो उनके द्वारा ये कहना था कि वो लोग तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में ये बात उठाने के लिए आए थे, वो कह रहे थे। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा स्कूल ICSE के क्लास 10 और 12 का होम सेंटर है। हमारे बच्चे जो हैं, इस स्कूल के जो बच्चे हैं, वो यही एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10 एंड 12 का मंडे से एग्ज़ाम है। कोई भी बच्चा बाहर जाके आउट सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देगा। तो हमने ये तय किया, क्योंकि हमें भी घर चलाना है, अपना स्कूल चलाना है, तो हमने ये तय किया कि ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रोकना रोका जाना चाहिए, ना चाहे कैसे भी हो, बच्चों के आप फ्यूचर को देखते हुए और हमको देखते हुए, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, हमने ये तय किया कि ठीक है बच्चों एग्ज़ाम देंगे। हर पेरेंट्स को ये बोला गया कि आप जितना दे सकते हैं, इसका आप गवाह भी देंगे लोग, कुछ लोग हमारे तरफ से, कि जितना आप दे सकते हैं आप दीजिए, नहीं दे सकते हैं हमारे पास, हम आपका एग्ज़ाम बच्चों का होगा। ये मेरा भी स्टेटमेंट कल का भी था। परिस्थिति क्या है आप लोग का, इससे विषय को लेकर परिस्थिति क्या निकला बाद में? तो जब भी मैं फिर से उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो गेट पे थे हम लोग, तो गेट पे धक्का मुक्की उन्होंने चालू कर दिया कि आप लोग एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं।
एडमिट कार्ड की बात ही नहीं आ रही है, यहाँ मुद्दा बच्चों को एग्ज़ाम देने और ना देने का है। हम मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम होम सेंटर हैं, हम मैनेज करेंगे कि बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप उस चीज़ को एक इशू बना के क्रिएट करके मुद्दा बना के लोगों को भड़का के लेके आते हैं अंदर, वो भी एक दो नहीं, और हमारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चों के माता पिता नहीं, ये और दूसरे स्कूलों के माता पिता कहाँ के पता नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सब आके यहाँ डायरेक्टर है हमारी, जो प्रिंसिपल है वो एक लेडी है, शी इज अ लेडी। तो और बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, उनका सिक्योरिटी को देखते हुए मैंने उनको परमिशन नहीं दिया कि इतने बंदे नहीं जा सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो दो तीन आइए। हमारे पेरेंट्स तो हैं ऑलरेडी अंदर, जा भी चुके हैं, वो रजिस्टर में बुक इन करके जाएंगे, वो लोग जाएंगे, जाना चाहते हैं तो जाएंगे, नहीं जाना चाहते नहीं जाएंगे, लेकिन वो माने नहीं, वो धक्का मुक्की चालू कर दिया, गाली गलौज चालू कर दिया, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ से आया है, तुम बहुत उड़ रहा है, तो माँ क्या मतलब, उतनी गाली तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा अभी, ना मैं जानता हूँ यहाँ के लैंग्वेजेस को। तब जब धक्का मुक्की होने लगा, तब फिर बात बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगा, बहुत ज़्यादा बात होने लगा, गाली गलौज होने लगी उनकी तरफ से। फिर मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को बुलाया, वाइस प्रिंसिपल को बुलाया, फिर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद वो लोग शांत तो नहीं, शांत तो खैर नहीं हुए, हाँ, लेकिन इतना हुआ कि जो आउटसाइडर्स थे, आई विल कॉल देम आउटसाइडर्स, हु डज नॉट बिलोंग टू आवर स्कूल, दे आर आउटसाइडर, तब उन लोगों को बाहर किया गया, बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे कांप रहे थे, इतना झगड़ा और इतना उत्पात देख के बच्चे कांप रहे थे। हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके निकाला, पहले छोटे क्लासेस को निकाला, इतना करा कि 20-25 मिनट लग गया बच्चों को निकालते हुए, सीनियर क्लास बच्चों के और लेट किया गया कि उन पे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो क्या सोचेंगे कि एक टीचर को धक्का मुक्की गाली गलौज होता है इस स्कूल में, इस यहाँ इस जगह पे। तो ये मेरा कहने का मतलब है। एक और आपके ऊपर लगा कि आपने मतलब उनको मारा पीटा, इसके लिए क्या बोले? देखिए, अपनी तरफ से जो अपना अपने पक्ष वो लोग रख दिए हैं, अपना पक्ष उन्होंने रखा है, मेरा पक्ष है कि मैंने किसी को मारा पीटा नहीं। वो लोग 10-15-20 लोग मुझे धक्का मार रहे हैं, आके गेट पे मुझे उकसा रहे हैं, तुम्हारा औकात गेट के अंदर, बाहर नहीं, गेट के अंदर उकसा रहे हैं कि तुम बाहर आओ, देखूंगा तुमको क्या है। मैं तो यहाँ ड्यूटी पे हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, कहीं भी अगर मैं ड्यूटी करूँगा तो मेरा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेडी प्रिंसिपल है, बच्चे हैं मेरे अंडर में, मेरी जिम्मेदारी है उस बच्चों की सुरक्षा। बीइंग अ एक्स फौजी, एक्स रिटायर्ड एयरफोर्स एम्प्लॉय, तो मेरी जिम्मेदारी है। आज अगर मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं, मेरे पर तो लानत है कि मैंने देश की रक्षा कैसे की होगी। आज मैं देश की रक्षा, देश की सेवा करके 20 साल बाद आता हूँ तो मुझे ये सुनने के मिलता है कि मैं बाहर का हूँ, तुम आज पैदा हुए हो जयगांव में, जबकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। 1952, 1950, 1945 से मेरे, हम लोग फोर्थ जनरेशन है यहाँ पे, मैं यहीं पढ़ा हूँ, पढ़ के बाहर निकल गया, देश की सेवा करके नौकरी करके आके जब यहाँ अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ, अपने ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहता हूँ, तो लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने पीटा मारा पीटा। मैंने किसी को मारा पीटा नहीं है, इतना धक्का मुक्की हो रहा था, इतना 20-15, 5 इधर 5 इधर मेरे को पकड़ के धक्का मार रहे। उन्होंने बोला बाहर आओ, मैं बोला ठीक है, मैं बोला कि ठीक है आइए आप, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप लोग मुझे मारेंगे मारिए। उसके बाद थाना में FIR किए हैं? मैंने अपनी तरफ से FIR किया है, स्कूल के तरफ से अलग से FIR गया है, मेरे FIR का मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिला है। मेरे को जो धक्का मुक्की किया है इन लोगों ने, मेरे पर जो गाली गलौज किया है, मैंने अपना मतलब, देखिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ किसी की अगर ड्यूटी करूँगा, किसी का अगर नमक खाऊँगा, तो मेरी जिम्मेदारी आप इस देश की तरफ प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको ईमानदारी से निभाऊँ। अगर मैं कल अपनी ड्यूटी नहीं करता और मैं बोल देता कि ठीक है आप लोग जाइए, जितने लोग जाना चाहते हैं जाइए, वो गैर जिम्मेदाराना और बेईमानी होती देश के प्रति भी और इस संस्था के प्रति, बच्चों के प्रति। मेरा नाम एक्स सार्जेंट अशफाक अहमद है, मैं रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉय हूँ। इधर क्या पोस्ट है? यहाँ मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ। किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, ग्लास कॉर्नर, MG रोड, जयगांव।